हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में, कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट की। आज इसको हम एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे। तो देखिए, इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे हमने इसका जो सिंटैक्स है वो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग इसको एक समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमने कहा कि से पहले हमने कमेंट लाइन लिखा, हमने लिख दिया कि से दिस इज एन एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर इफ स्टेटमेंट। ये हमने कमेंट लाइन में लिख दिया समझने के लिए। ठीक, ये कमेंट लाइन एंड कर दी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हमने दे दिया इंक्लूड, और हमने कहा stdio.h, ये हेडर फाइल हो गई .h। ठीक, ये .h एक्सटेंशन ये बताता है कि ये हेडर फाइल है। अब उसके बाद हमने यहाँ लिया इंटीजर, ये मेन फंक्शन, और इसके बाद यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी शुरू होती है। तो यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लीजिए इंटीजर से नम। ठीक, अब इसकी वैल्यू एंटर करेंगे तो हमने कहा प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने लिखा से, अभी तो हमें केवल ये लिखना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर। तो यहाँ पे हमने लिखा कि एंटर ए नंबर लेस देन 10, तो हमने यहाँ लिखा एंटर ए नंबर लेस देन से हमने कहा 20, 10 की बजाय हमने 20 कर दिया। ठीक, अब इस नंबर को इनपुट कराएंगे, तो इनपुट कराने के लिए हम स्टेटमेंट देंगे स्कैन एफ, फिर कोट्स में डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर हमने लिया है ये बंद किया हमने, कॉमा एम्परसेंट साइन लगाया चूंकि हमें वैल्यू इनपुट करनी है, और यहाँ हमने लिख दिया नम। ठीक, तो अब क्या होगा कि ये नंबर हमने इनपुट करा दिया। अब जो नंबर हमने इनपुट कराया है, मान लीजिए हमने कहा कि अगर वो नंबर 20 से कम है तो वो कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले कर दे। तो अब यहाँ हम इफ स्टेटमेंट देंगे, हम लिखेंगे इफ ऐसे, यहाँ कंडीशन दीजिए। कंडीशन हमने दिया कि इफ नंबर इज लेस देन 20। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने लिख दिया प्रिंट एफ, कुछ भी लिख दीजिए कि से हमने कहा कि आई एम ए गुड स्टूडेंट, तो हमने लिख दिया आई एम ए गुड स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया स्टेटमेंट को। और उसके बाद चूंकि हमने इसको डिक्लेयर किया इंटीजर मेन, यहाँ पे इंटीजर लिया है, वॉइड नहीं लिया है, तो यहाँ कोई भी वैल्यू आप रिटर्न करा दीजिए। आपने कहा रिटर्न और ज़ीरो, यहाँ पे ये मेन फंक्शन का प्रोग्राम बॉडी क्लोज हो गई। तो देखिए, अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो सबसे पहले ये लाइन डिस्प्ले होगी कि एंटर ए नंबर लेस देन 20, यानी स्क्रीन पे जब हम इसको रन कराएंगे तो ये लिखा हुआ आएगा कि एंटर ए नंबर लेस देन 20। तो मान लीजिए सपोज कीजिए हमने एंटर किया से 15। ठीक, तो अब वो क्या करेगा, इस लाइन में उसको चेक करेगा कि इफ नंबर इज लेस देन 20, तो देखेगा हाँ 17 इज लेस देन 20, तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी आई एम ए गुड स्टूडेंट। तो जब भी आप यहाँ पे जो वैल्यू आप इनपुट करा रहे हैं अगर वो 20 से कम होगी, ठीक है, 15 की बजाय आप 7 करा दीजिए, 8 करा दीजिए, 19 करा दीजिए, 1 करा दीजिए, कुछ भी, तो ये लाइन डिस्प्ले होगी। और अगर आप मान लीजिए आपने इनपुट कराया से 21, तो देखेगा इफ नंबर इज लेस देन 20, तो नंबर यहाँ पे क्या एंटर हुआ है 21, तो ये लाइन डिस्प्ले नहीं होगी। तो
तो इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इसको आप इसको और आसानी से समझने के लिए अगर आप इसका फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो देखिए, इसका फ्लो चार्ट भी आप बना लेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि इसे सपोज कीजिए यहाँ तो स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, प्रिंट करेंगे एंटर नंबर लेस देन 20, तो ये उसके बाद क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे सपोज कीजिए प्रिंट हो गया, हमने लिखा प्रिंट एंटर ए नंबर लेस देन 20, ठीक है। ये नंबर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे हम नंबर इनपुट करेंगे। तो हमने कहा इनपुट नम, ये हमने नंबर इनपुट कर दिया। अब जब नंबर इनपुट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको चेक करेगा, यानी यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब आप ये वाला बॉक्स यूज करेंगे फ्लो चार्ट में। हमने यहाँ पे चेक करेंगे कि इज नंबर इज लेस देन 20, ठीक है। अब यस हुआ तो इधर जाएंगे, ठीक, और इधर जाके क्या करेंगे, इधर जाके हमको वही लाइन प्रिंट करनी है तो हम वो लाइन प्रिंट कर देंगे आई एम ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे चाहे आप इसको लिख दीजिए ऐसे कि प्रिंट क्या, आई एम ए गुड स्टूडेंट, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए नंबर 20 से छोटा है, यहाँ पे हमने कहा अगर नो, तो नो के केस में क्या होगा, नो के केस में प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो अब देखिए, इसके बाद भी प्रोग्राम स्टॉप होना है और इसके बाद भी प्रोग्राम स्टॉप होना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सिंगल होता है। तो एंट्री पॉइंट तो यहाँ सिंगल है, एग्जिट पॉइंट के लिए तो आप इन दोनों को एक जगह कनेक्ट कर दीजिए ऐसे लाके, ये इस तरह, और ऐसे इसको लाके इस तरह, यहाँ एरो बनाइए, यहाँ एरो बनाइए, ये वाले हटा दीजिएगा, ये और ये, ठीक। अब यहाँ पे लाने के बाद आप क्या कीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिए, ये आपने लिख दिया स्टॉप। तो ऐसे आप फ्लो चार्ट बना के भी समझ सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरह काम कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर से ये क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो सपोज कीजिए, मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेके और आपको समझा देते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरह काम करता है और इसका कंट्रोल स्टेटमेंट में कैसे यूज है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमने कहा, मान लीजिए सपोज कीजिए क्वेश्चन क्या है कि अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं कि अगर वाइल परचेजिंग सर्टेन आइटम्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड इफ द क्वांटिटी परचेज इज मोर देन 1000, इफ क्वांटिटी एंड प्राइस पर आइटम आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया आपको, मतलब कि अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, अगर उसकी क्वांटिटी ठीक है 1000 से ज्यादा है तो हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक। और कितना हम खरीद रहे हैं तो मतलब दो चीज हम इनकी यानी क्वांटिटी हम इनपुट करेंगे कीबोर्ड से और उसका प्राइस पर आइटम ये हम इनपुट करेंगे कीबोर्ड से, और फिर कैलकुलेट करके और डिस्काउंट करके हमको रिजल्ट में क्या देना है, हमको टोटल खर्चा बताना है, रिजल्ट में टोटल एक्सपेंसेस ये हमको निकालना है, इस चीज का ये प्रोग्राम बनाना है हमको, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे कि चाहे तो पहले आप फ्लो चार्ट से देख लीजिए, चाहे आप पहले प्रोग्राम से, मान लीजिए वो तो हमने पहले प्रोग्राम बनाया था अभी पिछले वाले में। अब हम पहले क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट लिया प्रोग्राम का स्टार्ट, ठीक। अब हमने स्टार्ट में सबसे पहले क्या है, एक वेरिएबल हमने लिया, कौन सा, डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट के लिए हमने वेरिएबल ले लिया से DIS, कुछ भी आप एक्स वाई जेड जो भी ले सकते हैं। हमने डिस्काउंट के लिए डिस लिया, इसको जीरो कर दिया क्योंकि अभी ये जीरो है। अब उसके बाद हम इनपुट करेंगे क्वांटिटी और रेट, मतलब कितना क्वांटिटी, मतलब कितना सामान खरीदा हमने। तो हमने कहा इनपुट
क्वांटिटी के लिए हम वेरिएबल ले रहे हैं क्यू टी वाई, और यहां पे हम ले रहे हैं रेट के लिए रेट ही लिख दे रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद यहां हम चेक करेंगे, ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट आ गया चेक के लिए। अब हमने कहा इज क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000, तो हमने कहा अगर यस तो यस में क्या करना, हमें 10% का डिस्काउंट भी देना है, तो डिस्काउंट को जो जीरो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है उसको कर दीजिए डिस्काउंट इज इक्वल टू 10, ठीक। और अगर नहीं है तो कुछ करना नहीं, तो नो में। अब फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को एक जगह लाइए, क्योंकि डिस्काउंट चेंज हो गया तो भी और नहीं चेंज हो गया तो भी। अब इसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम आगे चलेगा, तो आगे कैसे चलेगा, हम टोटल एक्सपेंसेस हमको निकालना है। टोटल एक्सपेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंसेस के लिए मान लिया हमने वेरिएबल लिया टी ओ टी इक्वल टू लिख दिया क्यू टी वाई इंटू रेट, ठीक है। तब ये टोटल पैसा आ गया, माइनस अगर कुछ डिस्काउंट है तो यहां हम लिख देंगे क्यू टी वाई इंटू रेट इंटू डिस्काउंट, चूंकि डिस्काउंट परसेंटेज में दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, उसको हम प्रिंट करा देंगे। यहां पे आप प्रिंट करा दीजिए, पी आर आई एन टी, प्रिंट क्या चीज, टोटल, ठीक है। ये आपने प्रिंट करा दिया और यहां पे प्रोग्राम आप बंद कर दीजिए, स्टॉप। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा कि हम इनपुट करेंगे क्वांटिटी और रेट को, ठीक है। इसको जो है मान लीजिए हम से इससे समझा देते हैं आपको, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हम क्वांटिटी इनपुट करेंगे और रेट इनपुट करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए क्वांटिटी हमने इनपुट किया, सपोज कीजिए 10 पीस लिया हमने कोई आइटम, रेट उसका हमने लिया, तो रेट हमने कहा कि साहब से कुछ भी, हमने कहा 50 रुपये पर पीस है, तो 50 रुपीज़ पर पीस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्वांटिटी को चेक करेंगे, अगर क्वांटिटी आपने 1000 से कम लिया है, 1000 से ज़्यादा लिया तो इधर जाना, यहाँ पे हमने कितना लिया है क्वांटिटी, केवल 10, तो यहाँ पे आएंगे तो क्वांटिटी इंटू, और डिस्काउंट क्या है, जीरो ही है शुरू में हमने कर दिया था, तो यहाँ पे आएंगे तो 10 × 50 होगा, माइनस ये डिस्काउंट जो जीरो है सबको जीरो कर देगा और 500 आ जाएगा रिजल्टेंट। और मान लीजिए क्वांटिटी हमने 10 की बजाय सपोज कीजिए हमने कहा 1500 आइटम खरीदा हमने कोई, और हर आइटम का रेट जो है सपोज कीजिए 10 रुपया पर पीस है, पर पीस ये हो गया, तो ये 1500 क्या है, 1000 से ज़्यादा है, तो इस प्रोग्राम कंट्रोल इधर आएगा, डिस्काउंट ऑफर करेगा 10%, तो टोटल प्राइस होगी 15 × 10। यहाँ पे देखिए टोटल हो जाएगा क्वांटिटी 1500 × रेट कितना है 10 रुपये, माइनस अब डिस्काउंट भी देना है 10%, तो फिर 1500 × 10 × 10% डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया। तो अब ये 15000 में से 10% डिस्काउंट हो जाएगा 1500, आंसर आएगा 13500, वो आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा। अब इसको सी प्रोग्राम, ये तो फ्लो चार्ट हमने समझाया ना आपको, अब इसको जब आप सी प्रोग्राम में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे वो भी देख लीजिए। तो जब आप सी प्रोग्राम में इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे इस तरह से, मान लीजिए से कमेंट लाइन पहले हम देंगे, ये हमने कमेंट लाइन दिया, इसमें हमने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, ये हमने समझने के लिए कमेंट लाइन में लिख दिया। फिर अब प्रोग्राम शुरू कीजिए, तो हमने क्या किया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिया इंक्लूड stdio.h, ठीक। उसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेयर इंटीजर मेन
ये फंक्शन की बॉडी यहां से शुरू हो गई। अब हमने यहां डिक्लेयर किया इंटीजर क्वांटिटी और दूसरा हमने डिक्लेयर किया डिस्काउंट। इन डिस्काउंट को यहीं पे स्टेटमेंट के साथ ही हमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो, ठीक। और अभी रेट और टोटल कैलकुलेट करना है तो हम यहां पे उसको फ्लोट टाइप देते हैं, फ्लोट रेट और टोटल, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, प्रिंटएफ करेंगे। प्रिंटएफ क्या करेंगे, क्या चीज एंटर करनी है, एंटर क्वांटिटी एंड रेट, एंटर क्वांटिटी कितना सामान खरीदना है और उसका रेट क्या है। तो अब रेट चूंकि क्वांटिटी भी, तो चलिए हम पीसेज में पूरा पीस ही खरीदेंगे, लेकिन रेट जो है वो कुछ रुपए कुछ पैसे भी तो हो सकता है ना, जैसे हमने कहा 15 रुपए 17 पैसे, इसीलिए यहाँ पे रेट को फ्लोट टाइप, फ्लोट डाटा टाइप डिक्लेयर किया है। तो एंटर क्वांटिटी एंड रेट किया हमने, इसको बंद कर दिया, ठीक। अब इनको इनपुट कराइए, तो स्कैनएफ किया। अब क्वांटिटी क्या टाइप है, इंटीजर टाइप, तो हमने कहा परसेंटेज डी, और रेट क्या है, कैसा है, फ्लोट टाइप, तो परसेंटेज एफ, ये बंद किया। एम परसेंट लगाया हमने क्यू टी वाई इसके लिए, फिर एम परसेंट लगाया किसके लिए, रेट के लिए, ठीक। ये अब जो क्वांटिटी और रेट हमने इनपुट करा दिया, तो अब हम चेक करेंगे कि अगर क्वांटिटी 1000 से ज़्यादा है, ठीक, तो क्या करना है, डिस्काउंट जो ऊपर जीरो इनिशियलाइज किया था इस लाइन में, उसको करना है 10, ठीक है। तो इसको डिस्काउंट को हम कितना कर देंगे, डिस्काउंट को हम कर देंगे 10%, ठीक है। अब इसके बाद टोटल को जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे टोटल इक्वल टू, ये हो जाएगा क्वांटिटी इनटू रेट माइनस जो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना आएगा, क्वांटिटी इनटू रेट इनटू जो भी आपने डिस्काउंट ऑफर किया है DIS, और चूंकि परसेंटेज में करेंगे इसलिए इसको डिवाइड किया 100 से, ये हो गया। तो यहाँ जब टोटल आ गया इसको प्रिंट कर दीजिए, तो हमने कहा प्रिंट एफ। इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी छोटी मोटी एरर आती है उसको आप अपने आप दूर कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस, या अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा। तो प्रोग्राम में भी एरर आ रही है तो आप प्रोग्राम पूरा लिख के भेजिए, उसमें बताइए किस पॉइंट पर एरर आ रही है। ये हमने परसेंटेज आप देखिए डाटा टाइप कर दिया, और फिर चाहे तो नेक्स्ट लाइन में अगर आपको करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करते हैं, स्लैश एन, आपने कई प्रोग्राम में देखा होगा हमने लगाया है, हमने आपको बताया भी था, स्लैश एन, स्लैश एन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, और ये कोट्स बंद कर दिया आपने, और कॉमा करके यहाँ लिख दिया टोटल वेरिएबल, ये टोट, ठीक, बस। और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करा दीजिए, चूंकि इंटीजर को मेन टाइप लिया आपने, तो लिखिए रिटर्न जीरो, ठीक, और यहाँ पे ये मेन की बॉडी बंद हो गई। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे, ठीक है, तो देखिए इस प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा वो भी समझ लीजिए। सपोज कीजिए ये कंप्यूटर स्क्रीन है आपकी, जब प्रोग्राम आप रन कराएंगे तो सबसे पहले लाइन प्रिंट एफ, मतलब यहाँ आएगा एंटर क्वांटिटी, यानी ये छपा हुआ आएगा एंटर क्वांटिटी एंड रेट, और कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा। आपने मान लीजिए एंटर कर दिया से, या स्लैश एन आपने या नहीं दिया तो कर्सर इसके आगे ही रहेगा यहीं पे। तो आपने एंटर कर दिया, मान लीजिए कितना 1200 आपने एंटर किया यहाँ पे, 1200 तो आपने एंटर कर दिया वो क्वांटिटी, और रेट एंटर किया सपोज किए 15.50, 15 रुपये 50 पैसे। तो इसके बाद ये सब कैलकुलेट होने के बाद ये लाइन जो प्रिंट होगी, तो ये प्रिंट होगी आपकी कि टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रुपीस, यहाँ तक तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आएगी, ये आएगा आपका 1600 या 16,740 रुपये.000 ऐसे, इस तरह से आपका ये एक्सपेंड होके, ये एग्जीक्यूट होके ये रिजल्ट दे देगा। मान लीजिए एक और वैल्यू लेते हैं, हमने कहा सपोज कीजिए यहाँ पे ये हमने कंप्यूटर स्क्रीन लिया, यहाँ पे आया एंटर क्वांटिटी एंड रेट,
अब एंटर किया आपने, मान लीजिए 200 एंटर की क्वांटिटी और रेट एंटर किया वही 1500 ₹15.50। तो क्या होगा कि ये 1000 से कम है तो कोई डिस्काउंट तो ऑफर होगा नहीं, तो सीधा सीधा ये इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू ये करीब आ जाएगा ₹31। तो इस तरह से आप ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से सीख लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और डाटा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।